आज आप धरना प्रदर्शन पर जा रहे हैं, अनशन पर जा रहे हैं, राजघाट जा रहे हैं, तो किस लिए जा रहे हैं, कितने घंटे के लिए जा रहे हैं? देखिए, 5 मई को कपिल मिश्रा ने कहा, 7 मई उसने खुलासा किया था, जिसमें उसने कहा था कि 5 मई को वो अरविंद जी के घर गया, जिसमें उन्होंने ये देखा कि जैन साहब जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने अरविंद जी को 2 करोड़ रुपये दिए। मेरा एक सवाल है कि 5 अप्रैल शुक्रवार जिस दिन की वो बात कह रहे हैं, वो बताएं कि आखिर वो किस समय गए थे, कौन सी गाड़ी में गए थे। मेरे पास 5 तारीख के पूरे दिन का फुटेज है, वो समय बताएं, हम फुटेज रिलीज करें। मेरा ये कहना है कि कपिल मिश्रा झूठ बोल रहे हैं, अगर वो गए तो उनको सबूत देना चाहिए, नहीं तो कह रहे हैं कि हम पार्टी की सफाई करेंगे। पार्टी की सफाई नहीं, पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं। उन हजारों लाखों लोगों को जिन्होंने जंतर मंतर से डंडा खा करके पार्टी के इस मुकाम तक पहुंचाया, उनको धोखा दे रहे हैं। तो मैं अपना आज से मैं उनके झूठ के खिलाफ अनशन करने जा रहा हूं, और जब तक वो या तो सबूत दें, और अगर सबूत सच हुआ तो मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा, और मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा ना दें। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो देश कार्यकर्ता से और पार्टी जब तक माफ़ी नहीं मांगे तब तक मैं अनशन पर बैठा हूँ। तो सर, कपिल मिश्रा के अनशन का जवाब आप भी अनशन से ही देना चाहते हैं? देखिए, ये एक लड़ाई है असत्य पर सत्य की जीत का। वो झूठ पिछले 6-7 दिन से झूठ बोलते आ रहे हैं, तो अब उस झूठ को बेनकाब करना है, या तो ये मान लें कि उनसे गलती हुई और वो कार्यकर्ता से पार्टी से माफ़ी मांगे, और नहीं तो सबूत दे। यही सुरक्षा है।